छत्तीसगढ़ के नए जिले एमसीबी के नगर पालिका निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 32 का यह मामला बताया जा रहा है, जहां शौचालय की गंदी नाली में गिरने के कारण आसपास के रहने वालों के लिए रहना हुआ दूरभर। बताया जा रहा है कि जिस वार्ड का यह मामला है वहीं आसपास के मोहल्ले वासी के घरों की रसोई घर है, जहां मोहल्ले वाले अपने अपने घर में खाना बनाते हैं, जिसकी गंदगी के चलते वातावरण दूषित होता जा रहा है। इसके संबंध में वार्ड वासियों ने जन प्रतिनिधि प्रशासन को और निगम के पार्षद को भी इसकी जानकारी से अवगत कराया, उसके बावजूद भी यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में गंदगी का माहौल बढ़ता ही जा रहा है और आपसी में दुश्मनी का कारण बन रहा है, जिसके चलते कुछ लोग जबरदस्ती कर नाली को चौड़ीकरण कराने के लिए लोगों का घर को तुड़वाने में लगे हुए हैं, जबकि शासन के सख्त निर्देश के बावजूद भी कि खुले स्थान में शौच करना अपराध है, लेकिन कुछ वार्डवासी जानबूझकर गंदगी फैलाने में आमदा हो चुके हैं, जिसके चलते मोहल्ले वासियों में आपसी रंजिश और दुश्मनी बढ़ रही है। वर्षों पुरानी नाली जिसमें पानी हमेशा बहता रहता है, जिसे जानबूझकर चौड़ीकरण कराकर दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वार्ड वासियों का कहना है कि आज तक इस नाली में पानी नहीं रुका है और न कभी रुकेगा, क्योंकि यह नाली वर्षों से बनी हुई है। अगर ऐसी कोई बात होती तो सभी के घर में पानी जाता है, लेकिन कुछ लोगों की चलते जानबूझकर लोगों को घर को तुड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़, चिरमिरी।